इंडियन फेमस ड्रामा सीरियल CID के ACP प्रद्युमन यानी शिवाजी सतम ने दिनेश के चले जाने के बाद एक इमोशनल मैसेज अपने फैन के साथ शेयर किया। फ्रेडिक्स के चले जाने पर सब हुए गम से नढाल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोग्राफीज केव। शिवाजी सतम, जिनका CID में सबसे अहम रोल रहा है, इस ड्रामा में इन्होंने ACP प्रद्युमन की भूमिका निभाई और इनका इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स के साथ एक अलग ही रिश्ता था। ना कि सिर्फ ड्रामा में बल्कि असल जिंदगी में भी ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। दिनेश पादनीस के अचानक चले जाने पर उन्होंने सबको उदास कर दिया है। ऐसे मौका पर CID की पूरी कास्ट उनके अंतिम संस्कार पर मौजूद थी। 5 दिसंबर साल 2023 को शिवाजी सतम जब फ्रेडिक्स का अंतिम संस्कार करके अपने घर वापस लौटे तो उनके घर के करीब सारा मीडिया मौजूद था। शिवाजी मुंबई में रहते हैं। इनकी बिल्डिंग का नाम जे विजय है। इनके घर के बाहर बहुत ज़्यादा मीडिया मौजूद था और इन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी फीलिंग्स का इजहार किया। इन्होंने बहुत ही दुखी अल्फाज में अपने दुख का इजहार किया। इन्होंने रोते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिनेश मेरे छोटे भाइयों जैसा था। इसके साथ गुजरे हुए सारे पल बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। हमने इतने साल एक साथ काम किया, हमारी बहुत सी यादें हैं। फ्रेडिक्स ना सिर्फ CID की बल्कि हम सब की भी जान थे। हमारे हर दुख में वो हमें हंसाते थे। अब उनके जाने के बाद दुख इतना है कि हम सब हंसना भूल गए हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने फैंस का भी थैंक्स किया जो इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। इन्होंने फैन से कहा कि वो फ्रेडिक्स के लिए प्रार्थना करें और ये भी कहा कि दिनेश की फैमिली के लिए भी प्रार्थना करें कि वो इस दुख को सह सकें, क्योंकि दिनेश के अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं। दिनेश की पत्नी नैना और उनकी बेटी तनु इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और हम फैन से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें। ये कहना था CID के ASP प्रद्युमन यानी शिवाजी सतम का। इन्होंने मजीद कहा कि फ्रेडिक्स हमेशा हमारे दरमियान रहेंगे। इनके इस इमोशनल मैसेज पर फैंस ने कमेंट करते हुए कहा कि अब हम CID शो नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भी हम इस शो में फ्रेडिक्स को देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि अब वो हमारे बीच नहीं, जिस बात को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आप भी फ्रेडिक्स को मिस कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल बायोग्राफीज केव को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।